बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग घर पे खीर और गजरेला बनाते होंगे, लेकिन चूंकि मैंने वीडियो बनाई है तो ऑफकोर्स आपको आज कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ बेहतर जानने को मिलेगा, जिससे आपकी ये रेसिपी जल्दी भी बन जाएगी, टेस्टी भी बनेगी और आपको मज़ा भी आएगा ये रेसिपी बनाने में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, इसमें 1.5 लीटर हम लेंगे खुला दूध जो फुल ऑफ क्रीम होता है, इससे टेस्ट आपका अच्छा आएगा। ठीक हो गया, ढक्कन रख देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जल्दी बॉयल आ जाए। दूसरी तरफ सबसे अहम बात कि यहाँ पे आपने कोशिश करना है नए चावल लें, पुराने चावल या टोटा चावल जो सस्ते मिलते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। ठीक है, ये जस्ट 1/2 कप हैं जिनको आपने कम से कम 20 से 25 मिनट पहले भिगो के रखना है। ठीक हो गया, अब दूसरी अहम बात और इस रेसिपी का जो मेन ट्रिक है वो ये कि पानी निकाल लेने के बाद एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और आपने इस तरह से इसको हथेली में लेके जोर के साथ क्रश कर देना है। इससे ये पेस्ट तो नहीं बनेगा लेकिन ये दानेदार से हो जाएंगे और दानेदार होने की वजह से हमारी रेसिपी जल्द बनेगी। याद रखिएगा, इसमें और साबुत चावलों के टेक्स्चर में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा हमारी फाइनल रेसिपी में। ठीक है, चलें जी, ढक्कन रखने की वजह से इसको बॉयल भी जल्दी आ गया, लेकिन ध्यान से अक्सर ये उबल भी जाता है, बाहर भी निकल आता है, ठीक है, उछल जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलें जी, अब हमने जो चावलों को हाथों से क्रश किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये 1/2 कप चावल हैं और 1.5 लीटर के करीब दूध है। चलें जी, अब इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रखिएगा, जब तक ये बहुत ज़्यादा लिक्विड मतलब पानी या दूध होता है हांडी के अंदर, तब आप क्या कर सकते हैं, एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर आप इसको छोड़ सकते हैं, जैसे ये है। इससे ये बाहर भी नहीं उछलेगा और नीचे लगेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भी दूध है। तो जैसे जैसे कि पकाई करते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए आप, जब ये बिल्कुल इस टाइप की फॉर्म में आ जाए पेस्ट सी, तब हम इसमें 3 इलायची छोटी ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, जब भी इलायची ऐड करें लें बाज़ार से, तो ये मोटी वाली लें। ये है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ की गाजरें जिनको हमने मोटा ग्रेट कर लिया था। मोटा ग्रेट करेंगे तो ये इसमें नज़र आती रहेंगी, जिससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, अब एक प्रोफेशनल टेस्ट और खुशबू देने के लिए भी इसमें कुछ आगे जाके ऐड करेंगे, सो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। अब इसमें चीनी तकरीबन 1/2 कप जाती है, तो ये लें जी चीनी ऐड कर देंगे। मैं थोड़ी सी कम यूज़ करता हूँ तो थोड़ी सी कम चीनी। अक्सर लोग खीर के अंदर, गजरेले के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से दूध का असल जो फ्लेवर टेस्ट होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखा करें। अब यहाँ पे आके आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, यहाँ पे आके आपने चम्मच को रोकना नहीं, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। लग जाए तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, जो फिर कवर नहीं होता। ठीक है, कुछ बादाम ऐड कर देंगे छिलका उतार के और थोड़ी सी गिरी ऐड कर देंगे यहीं पे। इसमें फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है, चम्मच हिलाते रहना है, खीर या गजरेले को नीचे नहीं लगने देना। तो ये है हमारे पास किशमिश। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, अब इसमें हम रू क्योड़ा का 1 ड्रॉप ऐड करेंगे, सिर्फ 1 कतरा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वरना खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक प्रो जो है इसको एक खुशबू देने के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शनल चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अहम चीज़, इसमें खोया ऐड कर देंगे। मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, आज मैं याद से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। खोया हमने यहाँ पे तकरीबन कह लें कि 1/4 कप लिया है। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि खोया इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सी प्लेट में इसको ऐड करेंगे और इसको देखने के बाद कहेंगे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें चुरी इसने हमारे हाथों में, हमारे कानों में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट्स रेसिपी के लिए, यमी रेसिपीज के लिए, पुलाव रेसिपी के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, वेजिटेबल रेसिपी के लिए, 10 मिनट्स रेसिपी के लिए, बर्गर रेसिपी के लिए, जिंगर बर्गर रेसिपी के लिए और हर तरह की यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।